अब हम बढ़ते हैं हदीस नंबर दो की तरफ और बाब नंबर दो की तरफ। बाब क्या है? बाब अल इखलास व नीयत। ये बाब है इखलास के बारे में और नीयत के बारे में। इखलास किसे कहते हैं? इखलास किसी चीज को खालस कर देना। मुराद क्या है इखलास से? कि इबादत एक अल्लाह के लिए करना बस। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इखलास का हुक्म दिया है, वमा उमिरू इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि लोगों को यह हुक्म दिया गया था कि वो अल्लाह की इबादत करें इखलास के साथ। इबादत उसके लिए खास कर दें, यानी कि उसमें शिरक ना करें, उसमें रियाकारी वगैरह ना हो। और नीयत किसको कहते हैं? दिल के इरादे को, दिल के कसद को, इसको नीयत कहते हैं। तो ये बाब इखलास के बारे में है और नीयत के बारे में है। हदीस नंबर दो, और काफ लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि इस हदीस को भी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس انما الاعمال بالنيه وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن هاجر الى دنيا يصيبها اب امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه। जनाब उमर बिन खत्ताब से रवायत है, वो कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नमल अमालु बिन्नियह, इन्नमा सवाय इसके नहीं, सवाय इसके नहीं, आमाल नीयत के मुताबिक होते हैं, सवाय इसके नहीं, आमाल का दारो मदार नीयत पे होता है, सवाय इसके नहीं, आमाल का एतबार नीयत से होता है। तो इन्नमल आमालु बिन्निया, यहां पे बता दिया गया कि नीयत का आमाल से गहरा ताल्लुक है। नीयत के बगैर इबादत इबादत नहीं है। एक आदमी गर्मी में घर दाखिल होता है, पसीना आया हुआ है, वो चाहता है कि मैं अपना मुंह धो लूं, क्योंकि मुसलमान है, पक्का नमाजी है, इसलिए मुंह धोते हुए उसने वुजू की तरह सब कुछ कर लिया, लेकिन नीयत ये नहीं थी कि वुजू कर रहा हूं, नीयत तो ये थी कि पसीना वगैरह और ये मैल कुचैल दूर हो जाए। थोड़ी देर के बाद अजान हो गई, जोर की अजान, असर की अजान। अब वो कहता है मेरा तो वुजू हो गया। नहीं, इसको वुजू नहीं कहते। क्यों? क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्निया, आमाल का दारो मदार नीयत पे होता है। इस आदमी ने मुंह हाथ धोए, पांव धोए, हो सकता है सर पे मसा भी किया हो, लेकिन उसकी नीयत वुजू की नहीं थी, वो तो गर्मी दूर कर रहा था, पसीना दूर कर रहा था। हाँ, अगर दोनों नीयतें कर लेता तो उसका वुजू हो जाता, गर्मी उसको लगी हुई थी, कहता मैं वुजू कर लेता हूं, नमाज पढ़ूंगा, और नमाज के लिए वुजू करना लाजमी है, जब वुजू करूंगा तो साथ ही गर्मी भी दूर हो जाएगी, तो इंशाल्लाह फिर उसमें कोई मसला नहीं था। ऐसे ही इन्नमल आमालु बिन्निया, आमाल का दारोमदार नियत पे है। इबादत का दूसरी इबादत से फर्क जो है
वो भी नियत के जरिए मालूम होता है। चार रकतें पढ़ी उस आदमी ने जो कहीं से आया और उसकी जोर की नमाज रह गई थी और असर की भी उसने पढ़नी थी, जबकि असर की नमाज से लोग फारग हो चुके हैं। अब वो चार रकतें पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, अब जोर की पढ़ रहा है या असर की पढ़ रहा है, ये कैसे तय होगा? ये नियत से तय होगा। और ऐसे ही जोर से, जोर की अजान के बाद नमाज पढ़ रहा है, ये सुनते पढ़ रहा है कि ये जोर की चार फर्ज रखते पढ़ रहा है, कैसे तय होगा? ये भी नियत से ही तय होगा। इसलिए नियत बहुत जरूरी है। इन्नमल आमाल बिन्निया, आमाल का दारो मदार किस पे है? नियत पे है। वह इन्नमाल इम्री मा नवा, और सवाए इसके नहीं, हर आदमी के लिए वो है जिस चीज की उसने नियत की है। इनके हर आदमी को उसके अमल में से वो मिलेगा जिसकी उसने नियत की थी। इस जुमले की वजाहत क्या है? इस जुमले की वजाहत खुद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दी है। चुनाचे आप इरशाद फरमाते हैं, फमन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलि फहिजरतहु इलल्लाहि व रसूलि वमन हाजरा इला दुनिया युसीबुहा कि जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए होगी, जिसकी हिजरत अल्लाह अल्लाह के रसूल की तरफ होगी, तो उसकी हिजरत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ होगी। इस जुमले का क्या मतलब है कि जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ होगी तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ होगी? इस जुमले का मतलब यह है कि जो हिजरत करता है, अपना वतन छोड़ के दूसरे वतन में जाता है अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह से सवाब लेने के लिए, और मक्का से मदीना आ रहा है इसलिए कि मदीना में नबी अलैहिस्सलाम रहते हैं, आपकी सोहबत में रहूंगा और आपसे दीन सीखूंगा और आपका दिफा करूंगा, इसलिए हिजरत करता है, तो उसको खुशखबरी दी गई है कि तुम्हारी हिजरत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ है, यानी कि उसकी शान बयान की जा रही है, उसकी हिजरत की शान कि अल्लाह ताला के हाँ लिख दिया गया, उसकी हिजरत कबूल हो गई और लिख दिया गया कि इसकी हिजरत अल्लाह से सवाब लेने के लिए है, अल्लाह को राजी करने के लिए है और अल्लाह के रसूल की सोहबत में रहने के लिए है। और मौजूदा जमाने में हम कहेंगे कि अल्लाह के रसूल की अहादीस पे अमल करने के लिए है। इसने किसी काफर मुल्क को छोड़ा है जहां पे दीन पे अमल करना नामुमकिन बना दिया गया था, नमाज पढ़ना नामुमकिन बना दिया गया था, और दाढ़ी जबरदस्ती मूंड दी जाती थी, वहां पे रहना इसके लिए मुमकिन नहीं था, तो ये किसी इस्लामी मुल्क में चला गया। लेकिन क्यों गया? अल्लाह को राजी करने के लिए, और इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पे सही मानों में अमल कर सकूं, तो उसके बारे में लिखा जाएगा कि उसकी हिजरत अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए है, ये उसकी शान बयान की जा रही है उसकी और उसकी हिजरत की। वमन हाजरा इला दुनिया युसीबुहा, और जो हिजरत करे किसी दुनिया की तरफ, युसीबुहा जिसको वो हासिल करना चाहता है, जो हिजरत करे किसी दुनिया की तरफ जिसको वो हासिल करना चाहता है, किसी माल के लिए हिजरत करे जिसको वो लेना चाहता है, अब इमरातिन तज़व्वुजुहा, या वो हिजरत करे किसी औरत की वजह से जिससे वो शादी करना चाहता है, फहिजरतहु इला मा हाजरा इलैही, तो उसके इनामा माल में लिखा जाएगा कि उस क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा जिसके लिए उसने हिजरत की, फहिजरतहु तो उसकी हिजरत होगी इला मा हाजरा इलैही, उस चीज की तरफ जिसकी तरफ उसने हिजरत की, और वो क्या है, वो दुनिया या वो औरत। तो ये अंदाज कि जिसने हिजरत की दुनिया के लिए दुनिया की तरफ, औरत के लिए औरत की तरफ, तो उसकी हिजरत होगी उसी चीज की तरफ जिसकी तरफ उसने हिजरत की है, ये उसके मकसद की हकारत का बयान है कि उसके नामा अमाल में वही हिजरत लिखी जाएगी
جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہے، یعنی کہ بہت فضول سی اس نے ہجرت کی ہے. ایک ہجرت ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے، اللہ کے رسول کے لیے کی جائے، اور ایک ہے کسی لڑکی کی خاطر. تو اس کے نامہ اعمال میں یہی لکھا جائے گا کہ اس نے کسی لڑکی کی خاطر ہجرت کی تھی، یعنی کہ یہ نہیں لکھا جائے گا کہ اس نے اللہ کے لیے ہجرت کی تھی. ہاں اگر کوئی ہجرت کرتا ہے اپنا وطن چھوڑ کے کسی اور وطن میں منتقل ہوتا ہے کسی عورت کی عزت کو بچانے کے لیے، اس قسم کے نیک مقصد کے لیے جہاں پہ مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر اس پہ ثواب ملے گا. تو بہرحال یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ دین اسلام میں اخلاص کی کیا اہمیت ہے اور نیت کی کیا اہمیت ہے. اور یاد رہے کہ نیت دل سے ہوتی ہے. ہمارے کئی بھائی زبان سے نیت کر رہے ہوتے ہیں نماز کی، پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلے کے، تو یہ درست نہیں ہے. نہ یہ چیز ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور نہ صحابہ کرام سے. نیت عربی زبان کا لفظ ہے، اور نیت کا معنی ہوتا ہے دل کا ارادہ، دل کا قصد. تو دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں ابھی نماز پڑھنے لگا ہوں، اور دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ابھی میں زور کی سنتیں پڑھنے لگا ہوں، یا زور کے فرض پڑھنے لگا ہوں، عصر کی نماز پڑھنے لگا ہوں، یا میں عشاء کی نماز پڑھنے لگا ہوں. یہ دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ حدیث، حدیث نمبر دو جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بہت اہمیت دی ہے اور اس سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے، اور بہت سے ائمہ کرام نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ یہ وہ حدیث، یہ حدیث ان چند احادیث میں سے ایک ہے جس حدیث کے اوپر اسلام کا دار و مدار ہے. کیونکہ نیت، آپ وضو کرنے جائیں گے تو نیت کے بغیر وضو نہیں ہے. غسل جنابت کرنے جائیں گے تو نیت، نماز پڑھنے جائیں گے تو نیت، حج کرنے جائیں گے تو نیت. اس لیے نیت کا تعلق بہت سے امور سے ہے، اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے.